Hey everyone, this is Prem Pandey and welcome back to our favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार एक जमाना था जब पेड़ पौधे जानवर इंसान अपना एक बैलेंस बनाकर चलते थे, कोई किसी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान एडवांस होता गया, जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, वो अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, और जिनकी वजह से इन प्लांट्स इन एनिमल्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। अब यही कारण है कि हमें इन पेड़ों को, इन जानवरों को कंजर्व करने की जरूरत पड़ी है, बचाने की जरूरत पड़ी है, और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 11 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सिंपली जाके वहां से देख सकते हो। नए विजिटर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि पहेली और बूझो प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ जंगल घूमने गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। पहेली और बूझो बहुत ज्यादा उत्सुक थे, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहते थे क्लास के बाकी बच्चों के साथ। अदर चिल्ड्रेन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। अब जो बाकी बच्चे थे क्लास के, वो भी अपना एक्सपीरियंस पहेली और बूझो से शेयर करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे भरतपुर सेंचुरी घूमने गए थे, और जो कहीं नहीं घूमने गए थे वो सुन रहे थे, वो जानकारी ले रहे थे कजरंगा नेशनल पार्क की, लोकचाओ वाइल्डलाइफ सेंचुरी की, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की और टाइगर रिजर्व के बारे में वो सब जान रहे थे। मतलब बेसिकली वो अपना एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे अलग अलग नेशनल पार्क्स और अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अब यहां पर पहली पूछ रही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। जरूरत क्या पड़ी हमें, क्यों नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाना पड़ रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करने के लिए नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, पेड़ों की कटाई और इसके क्या कारण हो सकते हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि हमारी धरती पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। हम जानते हैं कि ये पेड़ पौधे, ये जानवर इंसान के स्वस्थ रहने के लिए और इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन आज सबसे बड़ा जो खतरा है इन पेड़ों के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस। जंगलों की कटाई करना और उस जमीन को किसी और कार्य के लिए प्रयोग करना, उन कटे हुए लकड़ियों को किसी और कार्य के लिए प्रयोग करना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेस मेंशन्ड बिलो। जो जंगलों में पेड़ काटे जाते हैं वो नीचे दिए गए कुछ कारणों की वजह से काटे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आज जंगलों का सफाया हो रहा है। पहला पॉइंट है प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। जो जंगल की जमीन होते हैं वहां पर पेड़ काटकर इंसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। दूसरी पॉइंट बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। इंसान पेड़ों को काट रहा है, जैसे जैसे इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है उसे घरों की जरूरत पड़ रही है रहने के लिए। वो अपने घर कहां बना रहे हैं, जंगलों को काटकर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं वो। तीसरा पॉइंट क्या है, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। आज हम अपने घरों में, अपने बेडरूम में चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, टीवी का शोकेस चाहिए, जो सब कुछ लकड़ी से बनता है, और लकड़ी कहां से आती है, पेड़ों को काटना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूजिंग वुड एज फ्यूल। आज अब भी कई गांवों में क्या होता है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से गांव के लोग लकड़ियों को जलाकर खाना पकाते हैं, तो वो लकड़ियां भी कहां से आती हैं, पेड़ों को काट कर आते हैं। सम नेचुरल काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर ड्रॉट्स।
कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जिनकी वजह से पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। उनमें से है फॉरेस्ट फायर। अगर जंगलों में आग लग जाती है तो कई पेड़ एक साथ जल जाते हैं, तो वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज सूख जाते हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक नेचुरल कॉज है, ये प्राकृतिक कारण है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 7.1, एक्टिविटी में क्या है, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मेन मेड। अब आपको क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन के जो बचे हुए कारण हैं, जैसे माइनिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, तो इन सारे कारणों का एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट में के जितनी भी चीज है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करिए। वो कारण जो नेचुरल कारण है, जो नेचुरल रीजन है, उनको एक तरफ रखिए, जो डिफॉरेस्टेशन के मैन मेड रीजन है उन्हें एक तरफ करिए। तो ये आपका होमवर्क मान लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए करके। नाउ कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने के क्या क्या आप कह सकते हो नुकसान हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, पहली इन बूझो, रिकॉल द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली इन बूझो को तुरंत याद आया कि अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहे तो इसका परिणाम क्या होगा। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वो उन्होंने जाना कि जो पेड़ों की अगर हम ऐसे ही लगातार कटाई करते रहे तो धरती का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो बढ़ जाएगा और जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो पॉल्यूशन का स्तर है हमारे धरती पर, वो भी बढ़ जाएगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारी जमीन के नीचे का पानी है, उसका स्तर और नीचे चला जाएगा जब उसे बरसात का पानी नहीं मिलेगा। तो दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। अब पहली और बूझो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहे तो ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा हमारे नेचर के, हमारे प्रकृति के संतुलन को ये बिगाड़ देगा। देवर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कॉन्टिन्यूस। पहली इन बूझो को प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हम ऐसे ही लगातार पेड़ों को काटते रहे, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर हम पेड़ों को लगातार ऐसे ही काटते रहे तो जो बरसात है वो कम होने लगेगी और मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बूझो पूछ रहा है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल, कैसे अगर हम पेड़ों को काटें तो बारिश कैसे कम हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर बारिश कम हो जाएगी तो बाढ़ कैसे आ जाता है डिफॉरेस्टेशन करने पे। तो दो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि पेड़ों की कटाई करने से बारिश कैसे कम हो जाती है। तो आप जानते हो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ वाटर जितना एक प्लांट को चाहिए अगर एक्सेस हो जाता है, अगर उस प्लांट को पानी जितना चाहिए उतना मिल गया है और जितना एक्सेस वाटर है ना वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर कर देती है, मतलब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब जिससे जैसे ही पानी बाहर आता है तो वो क्या होता है, एवापोरेट होकर ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। जब क्लाउड्स बनाता है तो बारिश होती है। अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो बरसात तो कम हो ही जाएगी। अब दूसरी तरफ पूछ रहा है कि जैसे ही हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो इससे बाढ़ आने की खतरा कैसे है। तो ऐसे है कि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, मिट्टी बहुत कड़ा हो जाएगा, और अगर मिट्टी एक बार कड़ा हो गया तो जो ऊपर का पानी है वो नीचे जमीन में नहीं जा पाएगा, जिससे क्या आएगा, फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। आगे देखते हैं, मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, ये अक्सर आती रहेंगी। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बात याद रखिए कि पौधों को अपना खाना बनाने के लिए क्या किस गैस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। अगर पेड़ ही कम रहेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम कंज्यूम होगा,
कम खर्च होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ। अब क्या करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो धरती की जितनी भी हार्मफुल रेज है, जितनी भी गर्म करने वाली जो रेज है, वो ऊपर नहीं जा पाएंगी, जिससे हमारी धरती का तापमान बढ़ेगा। और अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती का उबलना। अगर धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टान हैं वो पिघलेंगे, जिससे जो समुद्री इलाके हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। अगर हमारी धरती पर तापमान बढ़ जाता है तो इससे हमारा वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, बारिश होती है, जमीन से होकर फिर से वो क्या होता है, नदियों में जाता है, समुद्रों में जाता है, और फिर से एवापोरेट होकर वो वापस बादल बनाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश कम होगी, और अगर बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। पेड़ों की अगर हम लगातार कटाई करते रहें तो जो मिट्टी के जो गुण हैं, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो मिट्टी के बाहरी गुण हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना मिट्टी की, वो बार बार प्लांट लगाने से, बार बार खेती करने से अफेक्टेड हो जाएगी। मतलब जो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगा वो धीरे धीरे कम उपजाऊ होता जाएगा। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आप याद करिए कि क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टियों को कटने से रोकते हैं। मिट्टियों का कटना मतलब सॉइल इरोजन। जो पेड़ होते हैं वो मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, जिससे पानी आने पे वो बहता नहीं है, और अगर बहेगा नहीं तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। और अगर फीवर ट्रीज रहेंगे, अगर पेड़ पौधे कम रहेंगे तो मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटेगी तो इससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जैसे ही जो जमीन का ऊपरी मिट्टी का जो सतह है वो जैसे ही इरोज हो जाएगा, जैसे ही वो कट जाएगा, तो जो नीचे का हार्ड सख्त और जो पथरीला लेयर है वो बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा, दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस। जो ये मिट्टी जो बाहर आई है वो कम ह्यूमस, उसमें जो खाद की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत कम उपजाऊ होता है, वहां पर खेती करना पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे जो उपजाऊ जमीन है वो डिजर्ट्स, वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे, रेगिस्तान में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। याद रखना, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इंटू डिजर्ट्स इज नोन एज डिजर्टिफिकेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और अगर पेड़ों को लगातार हम काटते रहे तो मिट्टी को जो पानी रोकने की जो मिट्टी की क्षमता है ना, अब तक जो हमारे यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो पानी सोखती हैं, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी की जो जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी सोखने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। अगर मिट्टी का जो पानी सोखने की क्षमता है अगर वो कम हो जाएगी, तो जो जमीन का पानी है वो ग्राउंड तक नहीं जाएगा, जिससे जो हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, जिस रेट से पानी जमीन से ग्राउंड में जाता है उसी को हम इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे, बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो मिट्टी कड़ी हो जाएगी और ऊपर का पानी जमीन तक नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, ऊपरी सतह पे बाढ़ आने की जो खतरा है वो बना रहेगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहे तो मिट्टी के जो और भी गुण हैं, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब कोई भी मिट्टी में बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट्स हैं तो वहाँ पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके जो मिट्टी का जो टेक्सचर है, जैसे कलर हो गया, जो उसके पार्टिकल्स के साइज होते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अगर हम पेड़ों को काटते रहे तो। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th, हमने क्लास 7th में पढ़ा था दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, कि हम जंगलों से कई प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं, जैसे पेपर हम जंगलों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम लकड़ियां अपने फर्नीचर्स के लिए वो कहां से प्राप्त करते हैं, पेड़ों से, फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। कई मेडिसिन्स हमें
ट्रीज से मिलती हैं, तो क्या अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे तो क्या इनकी शॉर्टेज भी पड़ सकती है, क्या इन चीजों की कमी भी पड़ सकती है? इसका आंसर आपको करना है कि विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहे तो पेड़ों से मिलने वाली जो जरूरी चीजें हैं क्या वो हमें नहीं मिलेंगी, क्या उनकी कमी पड़ जाएगी? ये आप क्या करो, अपने मन से ढूंढ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो एक्टिविटी 7.2 करते हैं। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन, हाउ? जो जानवरों का जिंदगी है, जो जानवरों का जीवन है, वो भी प्रभावित होता है अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो कैसे? तो कैसे, इसका मैं आंसर दे देता हूं। हम जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो रोटी है, मतलब जो एनिमल्स का जो खाने की जितनी भी चीजें हैं वो पेड़ों से ही मिलती हैं, आप ज्यादातर जितनी भी चीजें होती हैं पेड़ों से ही मिलती हैं। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये जानवर जिंदा कैसे रहेंगे, वो खाएंगे क्या? अब बात आती है कपड़े की, तो कपड़े तो ये जानवर पहनते नहीं है। दूसरी चीज आती है मकान, जानवर रहते भी जंगल में है और अगर हम जंगलों को काट देंगे तो जानवरों का जो घर है वो छिन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, उन पॉइंट्स को लिस्ट करने हैं कि कैसे एनिमल की लाइफ पेड़ों को काटने से अफेक्ट हो रही है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो जानवरों की जिंदगी है वो पेड़ों के काटने की वजह से अफेक्ट हो रही है, ये हमारी एक्टिविटी है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 7.3, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों को बचाना, जीव जंतुओं को बचाना। अब ये इस पॉइंट में क्या कुछ है हम पढ़ते हैं आगे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहली एन बूझो आर वरीड। अब जब पहली एन बूझो जान चुके हैं कि अगर हम पेड़ों को लगातार काटते रहें तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसलिए पहली और बूझो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। इसलिए वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम पेड़ों को, जंगलों को और जंगली जानवरों को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कुछ है इसमें। बायोस्फीयर के बारे में बताया कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक छोटे सिंपल भाषा में समझ लीजिए, बायोस्फीयर जीव जंतुओं का एरिया जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर धरती का वो हिस्सा है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जहां पर जीवित पशु पक्षी, जीवित पेड़ पौधे, जीवित इंसान पाए जाते हैं, और विच सपोर्ट्स लाइफ, या धरती का वो हिस्सा जहां पर जीवन पॉसिबल है, जहां पर जिंदगी पॉसिबल है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर से एक टर्म निकल के आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब देखो बायोडाइवर्सिटी नाम से ही क्लियर है, बायो के अंदर डाइवर्सिटी, जो जन जीवन है उनके अंदर कितनी भिन्नता है वही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, अलग अलग प्रकार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस धरती पर रहते हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, और उनका पर्यावरण एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन यहां से लेके यहां तक है हमारी, कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। नाउ प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ये समझाने के लिए कि हम कैसे पेड़ पौधों को बचाएं, ये समझाने के लिए प्रोफेसर अहमद एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर पहेली को, बूझो को और उनके सारे साथियों को ले जाते हैं। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां का ट्रिप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ही नोज दैट, प्रोफेसर अहमद जानते थे कि दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। प्रोफेसर अहमद ये जानते थे कि जो इस बायोस्फीयर में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं उन पेड़ पौधों से जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं और उन पेड़ पौधों से जो निचले इलाकों पर पाए जाते हैं, जो लोअर वेस्टर्न घाट्स निचले इलाके हैं जो धरती के, वहां पर पाए जाते हैं। मतलब यहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, प्रोफेसर अहमद का ये मानना था,
प्रोफेसर अहमद ये विश्वास करते थे कि इस बायो रिजर्व में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो यूनिक हैं, वो अकेले हैं, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉई, प्रोफेसर अहमद ने विनती किया, रिक्वेस्ट किया माधव जी से। माधव जी जंगल में ही काम करने वाले एक एम्प्लॉई हैं, एक कार्यकर्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो बच्चों को पूरा बायोस्फीयर रिजर्व दिखाएं। ही एक्सप्लेन्स दैट, माधव जी बताते हैं कि प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। माधव जी बताते हैं बच्चों को कि चूंकि जो ये पूरा एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों को प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। ठीक है, नाउ नेशनल हेरिटेज का मतलब जो हमारे देश का एक गौरव है, जो हमारे देश का एक शान है, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल हेरिटेज। नाउ माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रेन, माधव जी बच्चों को बताते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, माधव जी बच्चों को बताते हैं कि हमारे खुद के प्रयासों के अलावा, हमारा जो समाज प्रयास कर रहा है पेड़ पौधों को बचाने का, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन पेड़ पौधों का, इन जंगलों का, इन जंगली जानवरों का ख्याल रखती है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो ये पूरे ब्रैकेट में यही सब दिया गया है, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इनमार्क्ड। यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी इलाके की जो पेड़ होते हैं, फ्लोरा का मतलब जो पेड़ और पौधे होते हैं, फौना मतलब जो वहाँ के जानवर होते हैं, उनके वातावरण को, उनके रहन सहन को बचाने के लिए कुछ इलाके निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, नेशनल पार्क्स कहते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या है, आइए देख लेते हैं। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। इन तीनों जगहों पर ये जो चीजें हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां पर पेड़ पौधे और जानवरों को बचाया जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार के हम प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम पौधा रोपण नहीं कर सकते हैं, ना तो हम उस एरिया में खेती कर सकते हैं, ना तो हम उस एरिया में अपने जानवरों को चरा सकते हैं, ना तो पेड़ काट सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की तस्करी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन एरियाज में अलाउड नहीं है। तो सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख लेते हैं ये क्या है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं, इनमें जो जानवर होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, उनके हैबिटेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ऐसे एरियाज को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। ठीक है, नाउ नेशनल पार्क क्या है। एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेशनल पार्क वो एरिया होते हैं जहां पर जीव जंतु, जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं, वो अपने वातावरण में खुले तौर पर रह सकते हैं, मतलब उन्हें कोई पिंजड़ा नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई गुफा नहीं बनाई जाती है, वो आराम से एक जंगल जैसी चीज होती है, पार्क जैसी चीज होती है, वो घूम सकते हैं, वो पत्तों को खा सकते हैं, वो पेड़ों को खा सकते हैं, ठीक है, वो जानवरों को मार के खा सकते हैं, जैसे भी वो रहना चाहें वो इस नेशनल पार्क्स में रह सकते हैं। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज, बहुत बड़े कई किलोमीटर में फैले होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और ये कौन से लैंड होते हैं, ये प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं, ये संरक्षित इलाके होते हैं जहां पर बचाया जाता है वाइल्ड लाइफ को, जंगल के जीवन को, वहां के पेड़ पौधों को, वहां के जानवरों को बचाया जाता है, और भी इन पेड़ पौधों और इन जानवरों के अलावा जो और भी ट्राइबल पीपल्स हैं, जैसे जो पुराने ट्राइब्स के लोग हैं, जो किसी, आप समझ सकते हो, जो पुराने लोग होते हैं वो ट्राइबल पीपल्स कहलाते हैं, तो जो पुराने ट्राइबल पीपल्स हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनकी भी देखभाल करना,
उनकी भी रक्षा करना बायोस्फीयर रिजर्व का काम होता है। आप समझ गए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, ये जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ नियम बनाते हैं, कुछ मेथड्स बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो इन पेड़ पौधों, इन जानवरों को रक्षा कर सकें, इनको कंजर्व कर सकें, इन्हें बचा सकें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, नेशनल पार्क्स जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ये संरक्षित इलाके होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, उस एरिया में रह रहे पेड़ पौधे, उस एरिया में पाए जाने वाले जानवर को बचाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने पहले भी बताया था, इन तीनों का क्या काम है? प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको जानते रहिए। नाउ एक्टिविटी 7.3, इस एक्टिविटी में क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द कंट्री। आपको क्या करना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहां पर कितने नेशनल पार्क हैं, वहां पर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको नंबर लिखना है। ठीक है, आपके राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके नंबर लिखिए। आपके पूरे देश में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपको उनका नाम लिखना है। तो गूगल पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए और फिर वहां से इजिली आपको मिल जाएगा कि कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 7.4, बायोस्फीयर रिजर्व। हमारी जो तीन चीजें हैं, जो हम तीन मेन चीजें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इन तीनों में से जो पहला पॉइंट है बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे बड़ा होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी इंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बच्चों के साथ प्रोफेसर अहमद और माधव जी उस बायोस्फीयर रिजर्व, उस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये बायो रिजर्व्स क्या, क्यों बनाए जाते हैं। बायो रिजर्व्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी एक इलाके में रह रहे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जानवर और अलग अलग प्रकार के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनकी रक्षा कर सकें, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। एस यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि आप जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब कितने वेराइटीज के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। समझ में आया? नाउ द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनका काम क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को और उनके कल्चर, जो उनकी सभ्यता है, मतलब कोई ट्राइबल पीपल है वो मॉडर्न नहीं होना चाहता है, वो वैसे ही पुराने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में वो आसानी से अपनी जिंदगी जी सकता है, अपने कल्चर के साथ जी सकता है। समझ गए? अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, चूंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये अपने अंदर कई प्रोटेक्टेड एरियाज को समाहित रखता है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर कई नेशनल पार्क्स, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाए जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और बहुत फेमस है, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिसमें से एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर एक मैप दिया है, यह पूरा मैप पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का है जहां पर बच्चे और प्रोफेसर अहमद घूमने गए हैं। इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में आप देख रहे हो दो नेशनल पार्क है, एक सतपुरा नेशनल पार्क और एक आप यहां पर देख सकते हो बोरी नेशनल पार्क। ठीक है, अब पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहां पर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपको क्या करना है, उन कारणों के नाम लिखने हैं, उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं कि क्यों
आपके अगल बगल की जो बायोडायवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, क्या वो डिस्टर्ब हो रहे हैं? अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे आप जान रहे हो, आजकल जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जो हंटर्स हैं वो हंटिंग कर रहे हैं जानवरों की, उनकी तस्करी कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, जैसे चंदन की लकड़ियों के स्मगलिंग होता है। तो ये सब कारण हैं, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिससे बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको यही क्या करना है, लिस्ट बनाना है। अब आगे क्या करना है कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जो इंसान अनजाने में कर देता है, अननोइंगली, मतलब इंसान जानता भी नहीं है कि वो किस तरीके से पेड़ पौधे और जानवरों को ये काम करके नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे इंसान पॉलिथीन का यूज करता है, और पॉलिथीन ना केवल पेड़ों के लिए हानिकारक है, बल्कि कभी कभी जानवर भी पॉलिथीन को खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। आपको करना क्या है, इन सारी इंसान की गतिविधियों का लिस्ट बनाना है जिससे पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचता है। इन्हें हम रोक कैसे सकते हैं? तो इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि पेड़ पौधे और जानवर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट कड़े कड़े नियम ला सकती है, कड़ी कड़ी पॉलिसीज ला सकती है, जिससे अगर कोई हंटिंग करता है या कोई स्मगलिंग करता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो ये था हमारा एक्टिविटी जिसको हमने कर दिखाया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 7.5, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब पेड़ और पौधे, फौना का मतलब जानवर। अब ये फ्लोरा फौना होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। एज द चिल्ड्रेन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, दे एप्रिसिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे ही बच्चे उस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गए, उन्होंने बहुत तारीफ किया वहां के जो हरे भरे पेड़ थे, जो जंगल की जो हरी भरी जो दौलत थी, जो हरे भरे वहां के पेड़ थे, उसकी बहुत तारीफ किया बच्चों ने। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज। बच्चे बहुत खुश हुए लंबे लंबे सागौन के पेड़ देखकर, वहां उस बायोस्फीयर रिजर्व में रह रहे जानवरों को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट। पहेली ने एक क्या पहेली एक लड़की है, उसने एक खरगोश को देखा और उसे पकड़ना चाहा। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। पहेली उस खरगोश के पीछे भागने लगती है, लेकिन प्रोफेसर अहमद पहेली को रोकते हैं। वो पहेली को समझाते हैं कि दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। प्रोफेसर अहमद पहेली से कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बहुत आराम से और बहुत हंसी खुशी अपने वातावरण में रह रहे होते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि सम एनिमल्स, जो कुछ जानवर हैं और जो कुछ पौधे हैं, टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, वो आमतौर पर किसी एक एरिया में पाए जाते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फिर से। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आमतौर पर किसी भी एरिया पे पाए जाते हैं, जैसे द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी एक एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवर वहां के फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। मतलब जैसे हमारे घर के अगल बगल में जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं और जो जानवर हैं, वो हमारे एरिया के फ्लोरा फौना कहलाएंगे। समझ में आया? फ्लोरा मतलब हमारे एरिया के पेड़ पौधे, फौना का मतलब हमारे एरिया में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं। समझ गए? नाउ अब यहां पर क्या है, साल का पेड़ है, ठीक है, सागौन का पेड़ है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, फर्न का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, ये सारे फ्लोरा हैं, ठीक है। और चिनका, फ्लोरा का मतलब ये सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, भौंकने वाला हिरन, चीतल, चीतल यहां पर है, लियोपार्ड, तेंदुआ, वाइल्ड डॉग ये है, और उल्फ, ये सारे क्या हैं, फौना हैं। ये सारे एनिमल्स हैं जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ये सारे पेड़ जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, और ये सारे एनिमल्स जो यहां पर पाए जाते हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं ये कौन कौन है। ये पहला है हमारा वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता है। दूसरा चीतल, इसका नाम है, चीता नहीं, चीतल नाम है इसका। ये तो वुल्फ है, आप जानते ही हो। लियोपर्ड, तेंदुआ है ये है हमारा फर्न, और ये हमारा जामुन का पेड़। नाउ नेक्स्ट,
ओके, अब हम एक्टिविटी 7.5 करेंगे. ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. अपने अगल बगल पाए जाने वाले पेड़ और अपने अगल बगल पाए जाने वाले जानवरों के नाम एक लिस्ट में लिखिए. ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत ही आसान है. अपने अगल बगल पाए जाने वाले कुछ पेड़, कुछ जानवरों के नाम आपको लिखने हैं. 7.6, एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं. एंडेमिक स्पीसीज अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वो प्रजातियां जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के अलावा कहीं और नहीं पाई जाएंगी, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. नाउ इसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा. सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट. जो बच्चों का ग्रुप था प्रोफेसर अहमद के साथ, वो जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, मतलब जंगल के बीचों बीच जाते हैं. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल. बच्चे एक बड़ा सा स्क्वायरल देख के, ये वाला स्क्वायरल देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज है, बहुत ज्यादा चौंक गए हैं. दिस स्क्वायरल हैज अ बिग फ्लफी टेल. अब आप देख रहे हो, ये जो स्क्वायरल है इसकी जो पूंछ है वो रोएदार है, फ्लफी है. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. अब बच्चे इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए हैं और वो माधव जी से जानना चाहते हैं कि ये अजीबो गरीब जानवर है कौन. माधव जी टेल्स देम, माधव जी बच्चों को बताते हैं दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल. इसे हम यहां पर जाइंट स्क्वायरल कहते हैं. जाइंट स्क्वायरल मतलब बहुत ही बड़ा स्क्वायरल. एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. और ये स्क्वायरल केवल आपको इसी एरिया में मिलेगा, केवल आपको पंचमढ़ी में ही ये स्क्वायरल मिलेगा. नाउ एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है. एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, वो प्रजातियां होती हैं पेड़ पौधे और जानवरों की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि केवल उसी एरिया में पाई जाती हैं. जैसे ये जायंट स्क्वायरल, ये केवल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा. तो ये क्या है, ये एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब ऐसे स्पीसीज जो कहीं और नहीं पाए जाएं, जो केवल एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर else, वो प्राकृतिक तौर पर कहीं और नहीं रह सकती, वो सर्वाइव नहीं कर सकती है. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. एक प्रकार का पौधा या किसी एक प्रकार का जानवर हो सकता है वो केवल एंडेमिक हो अपने जोन के लिए, मतलब हो सकता है वो उस प्रकार के पेड़, उस प्रकार के जानवर केवल उसके इलाके में पाए जाते हो. हो सकता है आपके राज्य में केवल इस प्रकार के पेड़ और इस प्रकार के जानवर पाए जाते हो, कहीं और नहीं. और कंट्री, या हो सकता है कि आप जिस देश में रहते हो वहां पर कुछ ऐसे जानवर और पेड़ हो जो कि केवल आपके देश में पाए जाएं, कहीं और नहीं. उन सबको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एस टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. अब माधव जी बच्चों को दिखाते हैं, दो पेड़ दिखाते हैं, साल का पेड़ और जंगली आम. जंगली आम का पेड़ आप देख सकते हो, ये वाला है. ठीक है, ये दो पेड़ दिखाते हैं. माधव जी कहते हैं कि ये दो पेड़ यहां के एंडेमिक पेड़ पौधे हैं, मतलब इनके जैसे पेड़, मतलब ये पेड़ कहीं और नहीं पाए जाएंगे. और आगे वो कहते हैं कि ये तो हो गई पेड़ों की बात, जानवरों में कौन कौन से हैं. बाइसन, जिसे हम कहते हैं जंगली भैंसा, इंडियन जाइंट स्क्वायरल जो ये वाला जानवर है ये, ठीक है, और फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ने वाला गिलहरी. ये तीन जानवर एंडेमिक हैं, एंडेमिक जानवर हैं, केवल आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड endangered their existence. प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि जैसे जैसे हम इनके पेड़ों को काट रहे हैं, इनके वातावरण को इनसे हम छीन रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, जैसे जैसे नए स्पीसीज आते जा रहे हैं, तो जो नेचुरल हैबिटेट है, जो इनके लिए, इन्हें जिंदा रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इन डेंजर, खतरे में आ रहे हैं इनके अस्तित्व को लेकर. ठीक है, कि ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं. जाइंट स्क्वायरल आप देख सकते हो. स्पीसीज का मतलब क्या है. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. स्पीसीज का मतलब होता है जनसंख्या की वो टुकड़ी, वो समूह विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि अपना बच्चा, मतलब ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए कैपेबल हो, सक्षम हो, अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सक्षम हो.
इसका मतलब आप थोड़ा सा डिटेल में जानिए. दिस मीन्स स्पीसीज का मतलब होता है कि किसी एक प्रजाति का मेंबर, मेंबर ऑफ अ स्पीसीज, केवल रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने ही मेंबर, अपने ही प्रजाति के मेंबर के साथ, किसी और प्रजाति के साथ वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता. इसी को हम स्पीसीज कहते हैं. स्पीसीज का तो मतलब होता है प्रजाति. प्रजाति कौन सी होती है जो अपने ही मेंबर के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस करे, जैसे ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स से शादियां करते हैं, ठीक है, और बच्चे पैदा करते हैं. नाउ मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग अलग प्रजाति के जानवर, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधों की उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनके जैसे सारे पेड़ पौधे सारे जानवरों में होती है. नाउ एक्टिविटी 7.6 क्या है, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव. हो सकता है कि आपके भी इलाके में कुछ ऐसे पेड़ हो, कुछ ऐसे जानवर हो जो केवल आपके एरिया में पाए जाते हो, उनके नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है 7.7, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, सून पहली सीज अ बोट, पहली एक बोट देखती है जिस पर लिखा है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. प्रोफेसर अहमद बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी जगहों पर जानवरों को मारना, उनकी सेलिंग एंड बाइंग करना, उनकी तस्करी करना, उनको कैप्चर करना, बिना वजह उन्हें पकड़ना, ये सारी चीजें यहां पर मना है. और अगर कोई करते हुए पाया जाता है तो ये कानूनन जुर्म है और उसे दंड जरूर मिलेगा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब गवर्नमेंट उन्हें पनिश करेगी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट की तरह, जो संरक्षित जंगल होते हैं उनकी तरह, ये भी जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं. और जंगली जानवरों के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जिस वातावरण में वो आसानी से रह सकते हैं, वो वातावरण प्रोवाइड करवाती है कौन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नाउ ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज. यहां पर प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि यहां पर जो अगल बगल इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, मतलब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर वो आके कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, वो अपने पशुओं को आके यहां पर चरा सकते हैं. कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, जो ऐसे पेड़ हैं जिनसे दवाइयां मिलती हैं, उसका भी यूज वो कर सकते हैं. अपने खाना पकाने के लिए क्या कर सकते हैं, लकड़ियां भी इकट्ठा कर सकते हैं. यहाँ रह रहे लोग, यहाँ पर जो अगल बगल के लोग रहते हैं, वो ये तीन काम यहाँ पर कर सकते हैं, इनको परमिशन होती है. नाउ सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ जो भयानक जंगली जानवर हैं, जैसे आप कह सकते हो काला हिरन हो गया, सफ़ेद आँखों वाला हिरन हो गया, एलिफेंट हाथी हो गया, सुनहरी बिल्ली हो गई, गुलाबी रंग के सर वाला बत्तख हो गया, घड़ियाल, दलदली इलाकों में रहने वाला जो हमारा मगरमच्छ है, पाइथन जिसे हम अजगर कहते हैं, राइनोसेरोस आर प्रोटेक्टेड. ये इन सारे जानवरों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी रक्षा की जाती है अपने इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप. यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन सेंचुरीज हैं, जो भारत की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके जो जमीन की बनावट है वो बहुत यूनिक है, ऐसा कहीं और आपको नहीं मिलेगा. जो इंडियन सेंचुरीज हैं उसमें ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट भी हैं, कहीं कहीं किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में केवल जंगल ही जंगल है, किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको पहाड़ी जंगल मिल जाएंगे, मतलब पहाड़ी जानवर वहां पर मिलेंगे, वहां पर पहाड़ी पेड़ मिलेंगे आपको. और कुछ ऐसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहां पर केवल झाड़ियां मिलेंगी, और झाड़ियां कहाँ मिलेंगी, डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, जो बड़ी बड़ी नदियां जहां पर समुद्र में आके मिलती है ना, वहां पर ट्रायंगुलर शेप की एक डेल्टा बन जाता है, एक जमीन का लैंड बन जाता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं. तो इन इलाकों में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. इट इज अ पीटी, ये बहुत ही दुख की बात है, दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम. यहां पर ये बहुत दुख की बात है कि जो संरक्षित जंगल है, जिसकी देखरेख
भारतीय सरकार कर रही है वो भी अब सेफ नहीं है, वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो लोग अगल बगल पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ के चीजों को बर्बाद कर देते हैं, यहाँ के पेड़ों को काटते हैं, यहाँ के जानवरों को मारते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, बच्चों को याद दिलाया गया कि आप जब चिड़ियाघर गए थे तो याद करिए, दे रिकॉल, और बच्चों को याद आया कि हाँ चिड़ियाघर भी तो एक ऐसी जगह है जहां पर जानवरों की रक्षा की जाती है, जहां पर जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब बूझो पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है एक चिड़ियाघर में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अंतर क्या होता है। तो मैं बूझो को बता दूं कि जो चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में लोग व्यापार करते हैं, आप टिकट देते हैं तब जाकर आप जानवरों को देख पाएंगे। वहां पर केवल उन जानवरों की रक्षा ही नहीं की जाती है बल्कि उनके साथ व्यापार भी किया जाता है, वहां पर बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें केवल उन जानवरों को रखा जाता है जो जंगल में नहीं रह पा रहे हैं, जिनके अस्तित्व को जंगल में खतरा है, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखते हैं। ना एक्टिविटी 7.7 क्या है, अपने अगल बगल के चिड़ियाघर में जाइए, जैसे बनारस में एक चिड़ियाघर है, ठीक है, मैं जा चुका हूं। ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, आप वहां पर देखिए कि जो वहां पर चिड़ियाघर में जो रखे गए जानवर हैं उनको कैसी कंडीशंस दी गई हैं। जैसे जो बनारस का चिड़ियाघर है वहां पर क्या है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें क्या चाहिए, जिन्हें ऊंची और खाली जमीन चाहिए, ठीक है, जैसे हिरन हो गया, तो उन्हें वैसा वहां पर आर्टिफिशियल सा बना के दे दिया गया है। कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी हैं जहां पर मगरमच्छ हैं, ठीक है, तो वहां पर जो कंडीशंस हैं क्या उनके फेवरेबल हैं, क्या सुटेबल है उन जानवरों को एक नकली हैबिटेट में रखना। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्या जानवर ऐसे जो नकली जो पर्यावरण है उनका, जो नकली उनका हैबिटेट है, क्या उसमें वो रह सकते हैं। आपके राय में जानवरों को चिड़ियाघर में रहना चाहिए या जंगल में रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 7.8, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, जब बच्चे घूम रहे थे उस बायोस्फीयर रिजर्व में तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जो कि सड़क के किनारे लगा था, उस बोर्ड में लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, बच्चे अब इस नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं बच्चे इस नेशनल पार्क में जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इतने डाइवर्स होते हैं, मतलब यहाँ की कंडीशन इतनी अलग होती है कि यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाता है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। यहां पर इस पूरे एरिया को अगर नेशनल पार्क बनाया गया है तो इस एरिया के पेड़ पौधे हो गए या वहां के जमीन के बनावट हो गए या अगर उस एरिया में कोई पुरानी चीजें पाई गई हैं तो वो सब गवर्नमेंट के देखरेख में रखी जाती है, वहां की चीजों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो भारत का पहला, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला संरक्षित जंगल है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में पूरे भारत का सबसे नंबर वन क्वालिटी का जो सागौन का पेड़ है वो यहीं पर पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, भारत में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। नाउ रॉक शेल्टर्स के बारे में बताया गया है कि रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क जहां पर बच्चे घूम रहे थे वहां पर उन्होंने देखा कि पत्थरों के कुछ शिविर बनाए गए हैं, मतलब पत्थरों की मदद से कुछ रहने की जगह बनाई गई है जो पुराने लोगों ने बनाई थी। These are evidences of prehistoric human life. ये सारे जो rock shelters हैं, वो सबूत हैं कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वो कैसे रहते होंगे। These give us an idea of life of primitive people. ये rock shelters हमें आइडिया देते हैं कि पुराने के जमाने के लोग जो primitive people हैं वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते थे। Rock paintings are found in these shelters. In rock shelters में paintings की गई हैं। अब टोटल 55 रॉक शेल्टर्स पूरे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए गए हैं। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए गए हैं और इनकी दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं। फिगर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की फिगर्स बनाए गए हैं, आदमियों के फिगर्स बनाए गए हैं कि जानवर और इंसान एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वही पेंटिंग दीवारों पर बनाई गई है।
इंसान जब शिकार करता था उसकी भी पेंटिंग वहां पर बनाई गई है, उन रॉक्स पर बनाई गई है। इंसान के नाचते हुए वहां पर दिखाया गया है। इंसान जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था उसकी भी पेंटिंग उस नेशनल पार्क में है, उन रॉक शेल्टर्स में है। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। कई पुराने जमाने के लोग, कई ट्राइबल पीपल की जो जातियां हैं वो अब भी इस नेशनल पार्क में रहती है। एज चिल्ड्रेन मूव अहेड, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए, दे सी ए बोर्ड, उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब माधव जी बच्चों को बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। वो बच्चों को बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। किसी भी देश के टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्यों निकाला गया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि टाइगर्स के सर्वाइवल पर कोई खतरा ना हो, मतलब उन्हें हम मार ना सके, उनकी रक्षा की जाती है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, और देश में जो टाइगर की जनसंख्या है वो बनी रहे, वो मेंटेन रहे, इसका भी ख्याल प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बूझो। बूझो कुछ पूछ रहा है कि यार टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या अब भी टाइगर्स इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में पाए जाते हैं? आई होप आई कैन सी ए टाइगर, मैं आशा करता हूँ कि काश मैं टाइगर देख पाता। ये सब बूझो की क्या है सोच है। टाइगर इज वन ऑफ मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर उन प्रजातियों में से एक है जो हमारे जंगलों से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, जो ये वाला टाइगर रिजर्व है, ये बहुत अनोखा है। ये किस मामले में अनोखा है? क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर्स की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय हुआ करता था जब जानवर जैसे कि शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंघा, ये सब इस सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स हूज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। मतलब वो जानवर जिनकी जनसंख्या इस हिसाब से घट रही है कि वो शायद आने वाले समय में गायब ही हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, उन जानवरों को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। बूझो, बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बूझो को डायनासोर्स की याद आ जाती है। डायनासोर्स आज से हजारों साल पहले हमारी धरती पर रहते थे, लेकिन जैसे ही जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो जैसे जैसे ठंडा होता गया, तो ये जो डायनासोर्स है वो धीरे धीरे गायब हो गए। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और आज भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन उन्हें चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज टू ऑल नेशनल पार्क्स। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाने के लिए इन नेशनल पार्क्स ने कड़ी कड़ी नियम लगाए हुए हैं, और वो नियम कौन से हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एसेट्रा आर नॉट अलाउड। यहाँ पर ह्यूमन गतिविधियां जैसे कि पशुओं को चराना, उनकी तस्करी करना, उनकी बाइंग और सेलिंग करना, उनका शिकार करना, जानवरों को बेवजह पकड़ना, लकड़ियां इकट्ठा करना जंगल से, और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, जो इस नेशनल पार्क में वो पेड़ हैं जिनसे हमें दवाइयां मिलती हैं, उनका यूज़ करना नॉट अलाउड। ये सब जंगल में अलाउड नहीं है, नेशनल पार्क्स में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। अब पहली पूछ रही है कि क्या केवल बड़े जानवर ही विलुप्त हो रहे हैं? क्या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो गायब नहीं हो रहे धरती से? माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी पहली बताते हैं कि बड़े जानवरों के मुकाबले जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो और भी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। एट टाइम्स एक समय हुआ करता था वी किल स्नेक्स, हम सांप को मारते थे, हम मेढक को मारते थे, छिपकलियां मारते थे, चमगादड़ मारते थे, आउल्स उल्लू को भी हम मारते थे विथाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। उनकी जो इंपॉर्टेंस, उनका क्या महत्व है हमारे वातावरण में, ये बिना जाने हमने इन जानवरों को बहुत तेजी से मारा, और वो कंडीशन आ चुकी है कि हमें अब ये जानवर देखने को नहीं मिलते। आउल्स उल्लू बहुत कम, हो सकता है आपने देखा हो और हो सकता है आपने नहीं देखा हो।
By killing them, we are harming ourselves. इन जानवरों को मारकर ना केवल हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. They might be small in size. हो सकता है ये कीड़े मकोड़े, ये जो insects हैं, उनका जो shape size है, उनका जो आकार है वो छोटा हो, but their role in the ecosystem cannot be ignored. लेकिन हमारे वातावरण में जो इनका कार्य है, जो इनका importance है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं. हमारे ecosystem में इनका क्या importance है? They form part of food chain. ये एक food chain बनाते हैं और food webs बनाते हैं. Food chain और food web क्या होता है? आप जानते हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें मेढक खाते हैं और मेढकों को snacks खाते हैं. जो हमारे सांप होते हैं वो मेढक खाते हैं और सांपों को कौन खाता है? पक्षी खाते हैं. तो ये पूरा एक चेन बना हुआ है. अगर इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे तो फ्रॉग क्या खाएंगे, फ्रॉग नहीं रहेंगे तो स्नैक्स क्या खाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. एन इकोसिस्टम, एक वातावरण की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है कि इकोसिस्टम होता क्या है. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया एलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास. मतलब कि इकोसिस्टम, वातावरण क्या होता है? वातावरण कई चीजों से मिलकर बनता है. जैसे उस एरिया में कितने पेड़ हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा उस एरिया का क्या मौसम है, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, मिट्टी कैसी है उस एरिया की, रिवर डेल्टास पाए जाते हैं कि नहीं. रिवर डेल्टास का मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब मैंने आपको बताया, ये जो ट्रायंगुलर शेप के, जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां पर कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है, उसको हम डेल्टास कहते हैं. तो वातावरण क्या होता है? सारी चीजों को मिलाकर बनता है. जैसे हम अपने अगल बगल के वातावरण के बारे में जाने कि अगर आपके अगल बगल कौन सा वातावरण है, तो आप जानते हो आपके इलाके में हो सकता है पहाड़ हो, हो सकता है नदियां हो, तो ये आपका वातावरण है, ये आपका इकोसिस्टम है. ठीक है, यहां पर बूझो पूछ रहा है कि आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज. बूझो कह रहा है कि काश काश ये जो जितने एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे खत्म हो गए, जो जितने धीरे धीरे विलुप्त हो गए, काश इनका कुछ रिकॉर्ड्स होता जिन्हें हम पढ़ सकते. तो रेड डाटा बुक के बारे में बूझो को पता चला. रेड डाटा बुक क्या है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रेन. प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं. प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो ये रेड डाटा बुक है ना, इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये जो रेड डाटा बुक है, ये एक ऐसी बुक है जहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उन सारे जानवरों की, उन सारे प्लांट्स की जो धीरे धीरे हमारी धरती से गायब हो चुके हैं. रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली. जो रेड डाटा बुक है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के द्वारा मेंटेन किया जाता है. मतलब इस साल कितने जानवर, कितने पेड़ पौधे गायब हुए, उनका नाम रेड डाटा बुक में हर साल चढ़ाया जाता है. और ये काम कौन करता है? एक संस्था है जो ये काम करती है. संस्था का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका केवल यही काम है कि वो रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. जो इंडिया है वो भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है, वो भी भारत भी लिखता है कि हर साल भारत के कौन से पेड़ पौधे, कौन से जानवर हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं. तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या है? ऐसी बुक जिसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स या इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में लिखा जाए, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं. ये पूरी डिफिनीशन है इसकी. ठीक है, माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना ही माइग्रेशन कहलाता है. जान लेते हैं कौन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. यहाँ पर द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स अ डीपर इनटू द फॉरेस्ट. ये जो बच्चों की टोली है वो जंगल के और अंदर जाती है माधव जी के साथ साथ. दे सिट नियर द तावा रिजर्वॉयर. बच्चे एक झील के किनारे बैठते हैं, तावा झील है, उस झील का नाम है तावा झील. तावा झील के किनारे बैठकर बच्चे रिलैक्स करते हैं. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहली देखती है कि इस झील के किनारे, इस नदी के अगल बगल कुछ पक्षी उड़ रहे हैं. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन. माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. मतलब ये बर्ड्स कहीं और से उड़कर यहाँ पर आई हैं. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देश भर के अलग हिस्से से अलग अलग पक्षी यहाँ पर उड़कर आती है. और क्यों उड़कर आती है? हो सकता है जहाँ पर वो हो, जहाँ पर वो रह रही हो, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो वो इनके फेवरेबल ना हो, इसलिए वो यहां से वहां से उड़कर यहां आ जाती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने वाली जो पक्षियां होती हैं, वो हर साल किसी एक
पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमारे यहाँ आप जानते हो, अगर आप गांवों को जानते होगे अच्छे तरीके से, तो व्हाइट कलर का एक बर्ड है जिसे हम साइबेरियन क्रेन कहते हैं। आप केवल उसे कब देखोगे? बरसात के मौसम में, जब जुताई होती है तभी वो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर इनके लायक कंडीशन नहीं होगी, इनके लायक क्लाइमेट नहीं होगा, इसलिए वो यहां वहां से यहां उड़कर आ जाते हैं। देन दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों उड़कर आते हैं? ताकि वो अंडे दे सकें, क्योंकि जहां पर वो रह रहे होते हैं वहां का जो वातावरण होता है वो बहुत ठंडा हो गया रहता है, और ठंडे में जो पक्षी होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। वो पक्षियां जो बहुत दूर से उड़कर आती हैं दूसरी जगह, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, एज पहली लर्नड इन क्लास 7, जैसा हमने क्लास 7th में पढ़ा है। नाउ हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को दोबारा यूज करना, पेपर को दोबारा उस किसी काम के लायक बनाना, ताकि कुछ पेड़ों को हम बचा सकें। चलो जानते हैं हम पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है। अगर हम पेपर का कम यूज करेंगे तो पेड़ भी कम काटे जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ड्रॉस अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई के कुछ और कारण के बारे में प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। लगभग 100 किलो पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। देयरफोर वी शुड सेव पेपर, और यही कारण है कि हमें पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि एक कागज का टुकड़ा 5 से 7 बार हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हर विद्यार्थी, अगर हर स्टूडेंट कम से कम दिन में केवल एक पन्ना भी बचाता है ना, वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर। हम साल भर में कई पेड़ों को बचा लेंगे ऐसे। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें क्या करना चाहिए? हमें पेपर को बचाना चाहिए, हमें उसे दोबारा यूज करना चाहिए, और हमें पेपर को रिसाइकल भी करना चाहिए, मतलब किसी दूसरे काम के लिए भी हमें उसे तैयार करना चाहिए। जैसे हमने पेपर लिख लिया तो उसी पेपर से हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। कुछ रखने के लिए जो हम पेपर्स फाड़ते हैं, तो हो सकता है जो हमने यूज कर लिया हो पेपर, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी को रिसाइकलिंग कहते हैं। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper। और अगर हम एक पेपर को बचाएंगे तो ऐसा हम केवल पेड़ों को नहीं बचाते हैं, बल्कि उन पेपर्स को बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है हमने उसको बचाया, जितनी पानी चाहिए होती है हमने उसको बचाया। मोर एवर, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। अगर हम एक पेज भी बचाते हैं दिन का, तो पेड़ के अलावा वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं पेपर बनाते समय, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। अब बूझो पूछ रहा है कि इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या पेड़ों की कटाई का कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि हम बस केवल बचाते ही रहें, कोई और सोल्यूशन नहीं है? तो प्रोफेसर अहमद उन्हें रिफॉरेस्टेशन के बारे में बताते हैं। अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? दोबारा जंगलों का लगाना या दोबारा पेड़ों को लगाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का केवल एक ही उपाय है। डिफॉरेस्टेशन के नुकसान से अगर हमें बचना है, तो हमें दोबारा पेड़ लगाना पड़ेगा। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। दोबारा जंगल को इस्टेब्लिश करना, दोबारा जंगल लगाना ही रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, नए नए पेड़ लगाकर जंगल बना देना, इसी को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द प्लांटेड ट्रीज, अब जो प्लांटेड ट्रीज होने चाहिए, अगर हम फॉरेस्ट बना रहे हैं कहीं पर एक साथ पेड़ लगाकर, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज, वो एक ही प्रजातियां की हों। जैसे अगर हम आम का पेड़ एक जगह लगा दिया, तो हमने एक बात का ध्यान रखना है कि अगल बगल सारे आम के ही पेड़ हों। ठीक है, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। हमें कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए जितने हम रोज काट रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। जो पेड़ों का लगना है, जो पेड़ कभी कभी अपने आप भी उग जाते हैं। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया, जहां पर जंगलों की कटाई की गई है, उस एरिया को अगर
अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए, मतलब उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको कई सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे वहां पर फिर से जंगल उग आते हैं, वहां पर फिर से जंगल बन जाता है हजारों साल बाद। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो अपने आप जो प्राकृतिक तौर पर पेड़ लग जाते हैं, जंगल बन जाते हैं, उनमें इंसान की कोई दखलअंदाजी नहीं रहती, उसके लिए इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने ऑलरेडी अपने जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं हम लोग। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द वनली ऑप्शन। और अगर इस हरी भरी दौलत को, इस पेड़ पौधों को हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, तो हमें आज पेड़ लगाना पड़ेगा, केवल यही एक ऑप्शन है हमारे पास। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमारे भारत में, प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि हमारे भारत में जंगलों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। जो ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इनको बचाया जा रहा है, इनको कंजर्व किया जा रहा है, क्यों? ताकि जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ के जानवर हैं, उनको कोई मार ना सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो अगल बगल इन जंगलों के अगल बगल रह रहे जो लोग हैं, उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा किया जा सके, इस बात का इंडियन गवर्नमेंट ख्याल रख रही है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि हमारे भारत में आज क्या हो रहा है, जंगलों को बचाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या होता है? दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, इन जंगलों को बचाना, इन जंगलों की रक्षा करना और उन लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करना जो जंगल के अगल बगल रहते हैं, ये इस अभियान का हिस्सा माना जाता है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आज द चिल्ड्रेन, कुछ रेस्ट करने के बाद माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब आपको वापस घर जाना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट एडवाइसेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, क्योंकि किसी को भी अलाउ नहीं है कि जंगल में वो सूरज अस्त होने के बाद भी यहां पर रुके। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रेन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और उन जंगल से, उस बायोस्फीयर रिजर्व से बाहर निकलने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को धन्यवाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पूरे जंगल को बच्चों को दिखाया, प्रोफेसर अहमद को दिखाया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।